2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की खोज में जुट गए हैं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बाला साहेब शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार, आम आदमी, वंचित बहुजन आघाड़ी, बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, गोंडवाना पार्टी आदि पार्टियां रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने हेतु या यूं कहे कि उन सभी पार्टियों के कार्यकर्ते उम्मीदवारी पाने हेतु जुगत में लगे हुए हैं। रामटेक लोकसभा के विद्यमान सांसद कृपाल तुमाने उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना से नाता तोड़कर शिंदे शिवसेना का दामन थाम अपनी दगमगाती नैया पार लगाने का प्रयास करे हैं। वही भाजपा भी उन्हें समय पर चॉकलेट देकर भाजपा का प्रत्याशी मैदान में उतारकर अपना दाव चलाने के फिराक में है, जिससे कृपाल तुमाने की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। वही उद्धव ठाकरे गुट के युवा जमीनी कार्यकर्ता नागपुर जिला शिवसेना प्रमुख उत्तम कापसे के नाम पर मातोश्री से मोहर लगाकर नया चेहरा मैदान में उतारा जा सकता है। रामटेक लोकसभा के सांसद कृपाल तुमाने के पाला बदलकर शिंदे गुट में शामिल होने से राज्य की भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार व सहयोगी मिलकर किसी एक पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतारने को आतुर है, जिसमें शिवसेना से कृपाल तुमाने, भाजपा से सुधीर पारवे के नामों की प्रमुख चर्चाओं के साथ अनेक नामों की चर्चाएं हो रही है। वही भाजपा, कांग्रेस, दोनों शिवसेना, राष्ट्रवादी व बहुजन वंचित आघाड़ी सहित अन्य पार्टी भी रामटेक लोकसभा क्षेत्र पर घात लगाए बैठी है। कृपाल तुमाने, सुधीर पारवे, अरविंद गजभिये, मुकुल वासनिक, प्रकाश गजभिये, रश्मि बर्वे, उत्तम कापसे, दीपक कटारे, ये ऐसे नाम है जो आगामी रामटेक लोकसभा चुनाव हेतु चर्चा में है। प्राय देखा गया है कि रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने हमेशा ही हिंदू दलित प्रत्याशियों को जिताकर रामटेक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का अवसर दिया। ऐसे में हिंदू दलित प्रत्याशी ही हर पार्टियों की पहली पसंद हो सकती है, जिसमें कांग्रेस की ओर से पूर्व नागपुर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे को प्रत्याशी बनाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अगर भाजपा रामटेक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती है तो सुधीर पारवे को अपना प्रत्याशी बना सकती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट कृपाल तुमाने को अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। रामटेक लोकसभा की 6 विधानसभा क्षेत्रों में से कामठी विधान क्षेत्र से कृपाल तुमाने, रश्मि बर्वे, उमरेड से सुधीर पारवे तथा राजू पारवे के नाम आगे आ रहे हैं। वैसे ही सांदे कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से उत्तम कापसे व दीपक कटारे के नाम चर्चा में है। सांदे कलमेश्वर विधानसभा सहित संपूर्ण रामटेक लोकसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने वाले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नागपुर जिला प्रमुख उत्तम कापसे पार्टी अंतर्गत जनाधार वरिष्ठों से नजदीकी के चलते उन्हें शिवसेना का प्रत्याशी बनाना तय है। वैसे ही इस चुनावी समर में एक युवा चेहरा दीपक कटारे तेजी से उभरता नजर आ रहा है। दीपक कटारे का मिलनसार स्वभाव, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में आगे बढ़कर कार्य करना, विकोली कामगार संगठन इंटक में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, सावने तालुका मराठी पत्रकार संघ के कार्याध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष आदि के साथ साथ अनेक धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं में विश्वस्त पद पर कार्य कर पिछले 2 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निस्वार्थ तथा निर्भरता पत्रकारिता कर जन सामान्य को न्याय दिलाना, साथ ही कोयला खदान के सांदेर परियोजना में कार्यरत होने से सभी कोल माइंस में जाना पहचाना नाम दीपक कटारे की ओर भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, मन से आम आदमी पार्टी जैसी प्रमुख पार्टियों की नजर बनी हुई है। एनबीसी न्यूज के लिए सांदेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।